दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकबुक प्रो M1 13 इंच के लिए कौन सा बेस्ट एक्सेसरीज है जो आपको खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास है अभी मैकबुक प्रो M1 13 इंच जो 16 GB रैम के साथ है, USA से इंपोर्ट होता है। 16 GB रैम के लिए अगर आप 8 GB रैम लेते हो तो इंडिया से मिल जाता है। सो इस मैकबुक के लिए मैंने क्या क्या एक्सेसरीज खरीदा आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, और सबका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है मैकबुक प्रो M1 के साथ मिलता है Type-C 2 पोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं Type-C 2 पोर्ट एंड यहाँ पे मिलता है 3.5 mm हेडफोन जैक, और कुछ भी पोर्ट हमें नहीं मिलता है, इसलिए आपको खरीदना पड़ेगा USB Type-C हब। एक तो आप देख सकते हैं एक केबल क्रिएशन कंपनी का हब है जिसको मैंने खरीदा Amazon से, ऑफर प्राइस 3,100 के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर आप इस Amazon जो ग्रेट इंडियन सेल है उससे खरीदते हो तो उसमें और भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा केबल क्रिएशन कंपनी की तरफ से। तो आप देख सकते हैं इस केबल क्रिएशन कंपनी की जो Type-C हब है काफ़ी बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, और इसमें क्या क्या पोर्ट मिलता है आपको बता दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं RJ45 LAN पोर्ट मिलता है, इसके बाद एक Type-C पोर्ट, USB 3.02 पोर्ट एंड यहाँ पे SD कार्ड एक स्लॉट मिलता है, और एक Micro SD और एक HDMI पोर्ट। सो यहाँ पे हमें टोटल 7 पोर्ट मिल जाता है केबल क्रिएशन Type-C USB हब में। इसके बाद हम बात करेंगे मैकबुक प्रो 13.3 इंच के लिए बेस्ट डिस्प्ले प्रोटेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइजन की तरफ से डिस्प्ले प्रोटेक्टर है जिसको मैंने खरीदा 1899 में। इसको कैसे इसके ऊपर फिक्स करना है ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद और एक चीज़ आप खरीद सकते हैं जो कि अगर आपको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा, तो एक 1 TB या फिर 500 GB SSD। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी था इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एज ए एक्सटर्नल स्टोरेज के हिसाब से। अगर आपके केस में 512 GB या फिर उससे भी ज़्यादा स्टोरेज है मैकबुक में तो आपको खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कम स्टोरेज है मैकबुक में और आपको ज़्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हैं एक 1 TB का SSD एक्सटर्नल, और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकबुक की तरफ से यहाँ पे जो मिलता है मैजिक कीबोर्ड, यहाँ पे अगर आप चाहते हो कीबोर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए तो यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर भी मिल जाता है 300 के आसपास। आप Amazon पर सर्च कर सकते हो, जितने भी आपको प्रोडक्ट बताया सबका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे फाइनली जो मेन एक्सेसरीज दिखाने वाला हूँ, अगर आप बाहर कहीं पे भी आप ट्रैवल करते हो तो इसको लेना जरूरी है। बहुत ढूंढने के बाद मैंने लगभग 3 से 4 रिटर्न रिक्वेस्ट डाला था Amazon के ऊपर, क्योंकि मुझे परफेक्ट एक स्लेब नहीं मिल रहा था। तो फाइनली मुझे मिला है ये मोका की तरफ से 13.3 इंच डिस्प्ले के लिए। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 13 इंच या फिर 13.3 इंच के लिए परफेक्ट है। आप देख सकते हैं इसमें आपका जो मैकबुक आराम से रहेगा, और यहाँ पे बाहर की तरफ एक पॉकेट भी मिल जाता है टोटल 3, जहाँ पे आप चार्जर या फिर SSD एक्सटर्नल या फिर कोई भी पेन ड्राइव रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, ये लगभग आपको मिल जाएगा 1100 से 1200 रुपये के अंदर। Amazon के ऊपर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंशन है 13 इंच के लिए या फिर 13.3 इंच के लिए, बट जब भी मैंने बाय किया और टेस्ट किया भाई बहुत बड़ा है, लगभग 15.6 इंच डिस्प्ले उसके अंदर घुस जाएगा। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी खरीदे इस लैब को अच्छे से देख लीजिए उसका बिल्ड क्वालिटी और इसका जो साइज है परफेक्ट है कि नहीं है। तो मैंने 3 से 4 रिटर्न रिक्वेस्ट डालने के बाद, 3 से 4 स्लेब खरीदने के बाद फाइनली ए वाला जो स्लेब है परफेक्ट है 13.3 इंच डिस्प्ले के लिए। तो इसका लिंक वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप जरूर खरीद सकते हैं इसको, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी है मुझे लगा पर्सनली। बाकी आप खरीदने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए ए वाला स्लेब आपको कैसा लगा खरीदने के बाद। दोनों कलर में आपको मिल जाएगा डेनिम एंड एक ब्लैक कलर में आपको मिल जाएगा स्लेब। बाकी कुछ उतना एक्सेसरीज नहीं है मेरे पास, जो भी जितना भी एक्सेसरीज था आपको दिखा दिया। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर एक केस लगाने के लिए तो केस भी खरीद सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बाकी बताइए वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।